गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम क्लास सिक्स की साइंस का जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको कंप्लीट करेंगे आप सभी स्टूडेंट्स से मैंने बोला था कि जो स्टूडेंट्स अभी ग्रुप से जुड़े नहीं हैं या जिनको पता नहीं है कि क्लास चल रही है या नहीं है ऐसे बहुत ही रेयर स्टूडेंट हैं जिनको जानकारी नहीं है ना सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको आप अपने अगल बगल या पास पड़ोस में जो भी हों उन्हें सूचित अवश्य कर दें अब हम पढ़ेंगे वन पॉइंट थ्री है लाइफ स्पेन लाइफ स्पेन का मतलब होता है जीवन अवधि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स इज लाइफ स्पेन मतलब जो कई महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं कैरेक्टरिस्टिक हैं ऑफ लिविंग थिंग्स जो लिविंग थिंग्स हैं उनकी क्या है कि एक कई विशेषताओं में से एक विशेषता क्या है जीवन अवधि वह लंबे समय तक जो जीवित रहती हैं उनकी और दी मैक्सिमम लेंथ ऑफ टाइम और जो अधिक से अधिक जो अधिक से अधिक जो जीवन अवधि है ऑर्गेनिज्म कैन बी एक्सपेक्टेड टू लिव ये मतलब कि ऑर्गेनिज्म कितने समय तक जीवित रह सकता है लाइफ स्पेन वेरीअ वेरी ग्रेटली फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू एनदर फॉर एग्जाम्पल जो लाइफ स्पेन है जीवन अवधि है वह वेरी ग्रेटली फ्रॉम वह महत्वपूर्ण रूप से भिन्न भिन्न होती है फ्रॉम वन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक टाइप के जो ऑर्गेनिज्म और्ण, होते हैं प्राणी होते हैं टू एन अदरफ़ दूसरे से फॉर एग्जाम्पल एन एलिफेंट जो ये खाती है लिप्स फॉर अबाउट सिक्सटी और सेवेंटी ईयर्स जो उसकी लाइफ स्पेन कितनी है साठ से सत्तर साल वाइट ब्रिस्टेलकॉन पाइन ट्री में लिव टू फाइव फिफ्टी फाइव हंड्रेड ईयर्स ओल्ड इसमें ये गया जो हाथी है वो 60 से 70 साल तक जीवित रह सकता है वहीं पर आप देखेंगे ब्रिस्टल कॉन पाइन ट्री को वो कितने समय तक रहता है 5500 साल अब हम देखेंगे जो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ है रिप्रोडक्शन एन ऑर्गेनिक बीकेम एक्सटेंट एक जो प्राणी है एक्सटेंट हुआ विलुप्त हो जाएगा क्यों कब वैन इट नो लॉन्गर प्रोड्यूसर जब उसका लंबे समय तक प्रोड्यूस नहीं होगा नया मतलब उत्पादन नहीं होगा अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड और जो अदर प्राणी है उनके साथ भी यही कंडीशन है इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ ए गिव काइंड वुड बिकम एक्सटिंट इफ दे डिड नॉट रिप्रोड्यूस दूसरे शब्दों ऑल लिविंग थिंग्स जो सभी जीवित प्राणी हैं ऑफ ए गिव काइंड वुड बी केम वह अविलुप्त हो जाएंगी इफ दे डिड नॉट रिप्रोड्यूस अगर वह दोबारा से रिप्रोड्यूस नहीं होंगे द प्रोसेस ऑफ विच लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग प्रोड्यूस द सेम टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन देअर ऑन काइंड इज नॉन एज रिप्रोडक्शन द प्रोसेस बाई जो ये प्रोसेस है बाई विच लिविंग थिंग्स जीवित जीवित प्राणियों की प्रोड्यूस द सेम टाइप ये प्रोड्यूस कैसे कर द सेम टाइप के समान प्रकार के ऑफ लिविंग थिंग समान प्रकार की लिविंग थिंग उत्पन्न करते हैं और दे आर ओन काइंड्स और दे आर ओन काइंड्स और अपने जैसे नॉन एज रिप्रोडक्शन इसको क्या कहा जाता है रिप्रोडक्शन क्रोकोडाइल्स क्रोकोडाइल्स ओनली रिप्रोड्यूस क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल्स है वो किसको रिप्रोड्यूस करेगा ओनली क्रोकोडाइल को ना कि आप कहें कि क्रोकोडाइल फेस को कर दे डॉग को कर दे नो no. जो सेम है वो उसी का अपना एक अपनी जैसा ही लिविंग थिंग उत्पन्न करता है यू आर ए ह्यूमन आप एक ह्यूमन हैं मानव हैं बिकॉज योर पेरेंट्स आर ह्यूमन इसलिए आपके जो क्यों हैं आप ह्यूमन क्योंकि आपके जो पेरेंट्स हैं वो ह्यूमन है मानव हैं एन ईजी वे टू रिमेंबर दिस लाइक प्रोड्यूस लाइक अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो कहने मतलब है एक प्राणी अपने जैसा ही दूसरा प्राणी उत्पन्न करता है इसकी हम जो नेक्स्ट पेज पे आते हैं अब आता है हमारा रिस्पॉन्स वाट हैपन्स वैन यू टच ए हॉट कप इसमें कहा कि आपका क्या रिस्पॉन्स क्या आपको हैपन्स होगा कि वैन यू टच ए हॉट कप जब आप एक गर्म कप को टच करते हैं यू इमीडिएटली विदड्रॉ योर हैंड यू इमीडिएटली आप तेजी से क्या करेंगे अपने हैंड को विदड्रा करेंगे पीछे की तरफ खींचेंगे दिस इज हाउ यू रिएक्ट टू द चेंज इन योर इन्वायरमेंट दिस इज हाउ ये कैसे हुआ यू रिएक्ट आपने रिएक्ट किया टू द चेंज इन योर इनवाय इन्वायरमेंट आपने इस पर्यावरण कैसे कैसे चेंज किया ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंज अराउंड दैम जो सभी जीवित प्राणी हैं वो रिएक्ट करते हैं टू चेंज बदलने में अराउंड अपने आस पास साइंटिस्ट कॉल ईच ऑफ द सिग्नल्स टू विच एंड ऑर्गेनिज्म रिएक्ट एज द स्टमस साइंटिस्ट कॉल साइंटिस्ट क्या कहते हैं ईच ऑफ सिग्नल्स टू विच एन ऑर्गन ऑर्गन जो प्राणी को जो सिग्नल मिलते हैं रिएक्ट एज द स्ट्यूमस प्रेरणा उद्दीपन कहाँ से मिलती है इट इज एनी चेंज इट इज एनी चेंज इन द इनवायरमेंट और सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस रिस्पॉन्स इनको कहाँ से मतलब इन्वायरमेंट बदलने जो सराउंड आसपास की चीज़ों को बदलने में कहाँ से प्रोड्यूस एज ए रिस्पॉन्स उत्पादन कैसे होता है इसका प्रोड्यूस रिस्पॉन्स ही ए रिस्पॉन्स इज एक्शन और मूवमेंट रिस्पॉन्स क्या है कुछ इसमें क्रिया होती है एंड मूवमेंट और हलचल ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म किसमें प्राणी में स्टम स्ट कै में कम फ्रॉम इनसाइड इन ऑर्गेनिज बॉडी जो प्रेरणा उद्दीपन आता है का उद्दीपन वे वो कहाँ से आता है ऑर्गेनिज की बॉडी से इवन प्लांट रिस्पोंड टू स्ट्यूमुलस और भी जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं रिस्पॉन्ड करते हैं किससे उद्दीपन से प्रेरणा सीधे द लीव ऑफ मीमोसा प्लांट मीमोसा प्लांट फोल्ड वेन दे आर टच्ड तो इसमें कहा गया द लीव्स ऑफ मिमोसा मेमोसा मतलब होता है छुई मुई छुई मुई का जो प्लांट होता है फोल्ड When दे आर टच जब आप उसको टच करते हैं तो वो क्या करता है अपने को फोल्ड कर लेता है ये आप देख सकते हैं इसमें ये रिस्पॉन्स टू इन मेमोसा ये है छोई मुई का पौधा जिस आ, आपके आसपास कहीं भी हो आप उसको टच करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह किस तरीके से अपने को फोल्ड करता है कुछ स्टूडेंट ने पहले से भी देखा होगा नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है वो है सेल्युलर स्ट्रक्चर ऑल लिविंग थिंग्स बूथ प्लांट्स ऑल लिविंग थिंग्स बूथ प्लांट्स एंड एनिमल। सभी जो जीव प्राणी हैं बूथ उसमें प्लांट और एनिमल आर मेड ऑफ सम बेसिक स्ट्रक्चर वो किसके बने होते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसका यूनिट्स कॉल्ड सेल उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहा सेल्स कोस का कहती हैं सेल्स आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सेल्स आर दी बेसिक जो सेल है वो बेसिक है मतलब बेसिक चीज किसी भी चीज़ के जो बनने में है वो बेसिक चीज़ है ब्लॉक्स ऑफ लाइफ जीवन के मोस्ट सेल्स आर सो स्मॉल ज़्यादातर सेल्स कैसी है, होती हैं छोटी होती हैं देट थाउजेंड्स मस्ट बी प्लेस साइड बाई सेड साइड टू मे के सेंटीमीटर इसमें बताया गया है कि स्मॉल दे थाउजेंड्स मस्ट बी प्लेस्ड एक ही जगह पर क्या होगा साइड बाई साइड एक दूसरे से टू मे के हजारों सेल्स होती हैं द सेल इट सेल्फ इज मेड अप अपू प्रोटोप्लाज्म सेल किससे बनी होती है जीव द्रव से प्रोटोप्लाज्म इट इज लाइक ए ब्लॉब ऑफ जेली ये जेली क्या है ये जेली का एक ब्लॉब मीस होता है धब्बा जैसा होता है बट कंटेंस मैनी मिनट स्ट्रक्चर तो इसमें कैसे होते हैं कई मैनी मिनट स्ट्रक्चर होते हैं मिनट की आप यहां पर मुझको साइंस के अकॉर्डिंग मीनिंग बताएंगे ठीक है ए डेंस सेंट्रल स्पॉट कार्ड द न्यूक्लियस जो डेंस डेंसमिस होता है जो घना सेंट्रल स्पॉट होता है काल उसको हम क्या कहते हैं न्यूक्लियस कहते हैं या कहें तो इसको केंद्र कहते हैं इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ देम इट एक्ट्स एज दी ब्रेन ऑफ द सेल अगर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ़ देम कहा जाए अगर महत्वपूर्ण कहा जाए तो इट एक्ट्स एज द ब्रेन ऑफ द सेल ये क्या होती है सेल का ब्रेन होता है ऑल द प्रोटोप्लाज्म आउटसाइड द न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म ऑल दी प्रोटोप्लाज्म जो सभी प्रोटोप्लाज्म होते हैं जो दीप जीप द्रफ होते हैं उसके आउटसाइड बाहरी तरफ तक द न्यूक्लियस केंद्रक होता है इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म इसको क्या कहते हैं साइटोप्लाज्म फिर आता है नेक्स्ट आ गई क्लोरोप्लास्ट आर लार्ज क्लोरोप्लास्ट क्या है ये बड़ा होता है लार्ज होता है इरेगुलर शेप्ड और इसकी कोई एक निश्चित शेप नहीं होता है स्ट्रक्चर फ्लोटिंग इन द साइटोप्लाज्म ये किसमें फ्लोट करता है साइटोप्लाज्म में दे आर ग्रीन एंड ए ग्रीन पिगमेंट इसमें क्या होता है घरा और ए ग्रीन पिगमेंट इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है काल्ड क्लोरोफिल जो आपको पहले बताया गया है क्लोरोफिल में क्या होता है ग्रीन पिगमेंट क्लो, क्लोरोफिल कैप्चर्स द एनर्जी जो पेड़ के अंदर जो पत्तियों में क्लोरोफिल होता है वो क्या करते हैं कैप्चर्स द एनर्जी ऑफ सनलाइट सनलाइट की जो एनर्जी उसको यूज इट इट टू मेक फूड फॉर दी प्लांट सेल्स और पौधे के लिए भोजन बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स इसमें कहा गया जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो एक ओनली में पाया जाता है प्लांट सेल में ना कि आपके किसी जीवित जीवित प्राणी में जैसे कि मान के चलिए एनिमल्स में मिल जाएगा लेकिन ये आपको क्लोरोप्लास्ट किसमें मिलेगा ओनली पौधों में अब इसकी एक शेप को देखेंगे ध्यान से जो इसमें कहा गया है देखिए आप। आपको न्यूक्लियस केंद्रक मिल रहा है आपको साइटोप्लाज्म मिल रहा है कोष का आप देख रहे हैं ये क्या है साइटोप्लाज्म ये केंद्रक के आसपास साइटोप्लाज्म है फिर है सेल मेम्ब्रेन ये एनिमल सेल की बात हो रही थी अब हम ये देखेंगे ये प्लांट्स की प्लांट सेल में क्या है आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि न्यूक्लियर है न्यूक्लियर के पास में न्यूक्लियस है मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन सेल बाल है ये साइटोप्लाज में और ये आप देखेंगे क्लोरोप्लास्ट है इस टॉपिक को आप दो से तीन बार ध्यान से इस वीडियो को सुनेंगे और आगे आपको जो वर्क दिया जाएगा उसको रेगुलर करते रहिए इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है थैंक यू